हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज हम यहाँ पे ट्रे डेकोरेशन बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बीड्स, ये मोती है इमिटेशन, और ये डेकोरेटिव फ्लावर्स इस तरह की, और ये डेकोरेटिव सैटिन का कपड़ा है इस तरह का। ये पीच कलर का लिया है मैंने यहाँ पे, और ये रेड कलर का है। और हमें चाहिए एक ये फोम, और हमें चाहिए ये इस तरह की, देखिए कार्डबोर्ड है, और हमें यहाँ पे ये प्लेट लेना है, ये मेला माइन का प्लेट है इस तरह का। अभी हम बनाते हैं यहाँ पे, ये हार्ट शेप बना के लेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। ऐसे हमें 8 पीस कट करके लेने हैं, देखिए इस तरह के हमें 8 पीस बना लेने हैं। इस तरह से अभी यहाँ पे हमें 4 पीस को एक के ऊपर स्टिक करना है, ये देखिए इसके ऊपर है, यहाँ पे दूसरा स्टिक करेंगे। इस तरह से हमें 4 को स्टिक कर लेना है, ये देखिए यहाँ पे एक और स्टिक करेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे 4 4 पीस स्टिक किए हैं। इसी के साइज के हमें फोम का टुकड़ा निकालना है, ये देखिए यहाँ पे इसको मार्क करके लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। यहाँ पे ग्लू लगा के इसको यहाँ स्टिक करना है। इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे हम ये रेड कलर का कपड़ा लेके इसके हमें, ये देखिए ये जो हार्ट बनाया है इससे बड़े साइज का, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बड़े साइज का हार्ट शेप कट करना है। यहाँ पे इसका बड़ा वाला बना लेना है। अभी इसको कट करके लेंगे इस तरह से, इसे कट करेंगे। इसके ऊपर हमें ये देखिए ये जो हमने हार्ट बनाया है इसको रखना है। यहाँ पे इसकी बॉर्डर में हमें ये फेविकोल लगा के लेना है इस तरह से। भी कपड़े को इसके ऊपर स्टिक करना है इस तरह से, इसको स्टिक करके लेंगे।
ऐसे इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे। और ये बाकी का जो कपड़ा बचा है इसको हमें पीछे की साइड में स्टिक करना है। यहाँ से इसको ठीक करके लीजिए, ये देखिए इस तरह से ये कपड़े को पीछे की साइड में स्टिक करेंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए इसको इस तरह से स्टिक करना है। अभी यहाँ पे इस पे ये सेटिन का टेप लगा लेना है। इस तरह से इसको स्टिक करके लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्लू लगा के इसके ऊपर हम ये रिबन स्टिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसको यहाँ पे इस हमें बॉर्डर में स्टिक करना है। ऐसे बना के लेंगे इसको। यहाँ पे इसको एक कट लगाएंगे। यहाँ इसके ऊपर इसके बॉर्डर में मोती है, इसको स्टिक कर लेना है। ये फेविबॉन्ड लगाया है मैंने यहाँ पे, और इसके ऊपर ये मोती को स्टिक करके लेना है। देखिए इस तरह से हमें ये दोनों हार्ट की शेप में मोती लगा लेने हैं। ये इस तरह से हार्ट बन जाएगा। ये देखिए ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे इस तरह से हम दोनों बना लेंगे। ये कपड़ा लेके हमें ये देखिए ये प्लेट से थोड़ा बड़ा वाला राउंड सर्कल कट करना है। देखिए प्लेट से 2 या 3 सेंटीमीटर बड़ा ये सर्कल कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे बना के इसको कट कर लेंगे। इस तरह से अभी ये इसके ऊपर हमें ये फेवी बॉन्ड लगा लेना है। ये फेवी बॉन्ड लगा के आप 1 मिनट तक रुक जाइए, इसको थोड़ा सूखने दीजिए, फिर इसके ऊपर हमें ये कपड़ा लगाना है। अगर ऐसे ही लगाते हैं तो कपड़े के ऊपर इसके दाग रह जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे स्टिक करके लेंगे। यहाँ भी पीछे की साइड में इसको यहाँ पे कट लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे इसको हमें फेविकॉल लगा के स्टिक करना है। इस तरह से यहाँ पे ये फेविबॉन्ड लगा के कपड़े को पीछे की साइड में स्टिक करके लेंगे। देखिए ये पीछे इस तरह रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे हमें ये मोती लेके इसको सुईवरी धागे में बना के ये देखिए इस तरह की इसकी ये माला बना लेनी है। इस तरह बना के लेंगे। अभी यहाँ पे हम ये
फ्लावर्स लेके इसके पीछे की साइड में जो बड़ा रहता है ये देखिए इसको कट करेंगे और इसके यहाँ पे ग्लू लगा के इसको यहाँ पे स्टिक करना है। यहाँ पे इसके बॉर्डर में स्टिक करेंगे इस तरह से। ये पीछे वाला हमें कट करना है। यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। इस तरह से हमें चार फ्लावर्स को स्टिक करना है। इस तरह से हम ये फोर फ्लावर्स स्टिक करके लेंगे। अभी ये जो हमने माला बनाई है उस वैसे का वही मोती हमें यहाँ पे स्टिक करना है। ये इस तरह के से यहाँ पे मोती को स्टिक करके लेंगे। यहाँ चारों में मोती लगाएंगे। यहाँ पे फेविबॉन्ड लगा के लेंगे। ये इसकी जो नीचे की बॉर्डर है यहाँ पे, और यहाँ इसको ये माला को स्टिक कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे ये फेविकॉन लगा के इसको देखिए थोड़ी देर रुक जाइए, फिर इसके ऊपर इसको स्टिक करना है, नहीं तो ये ऐसे जल्दी से स्टिक नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी देखिए इसको कट कर लेंगे। और ये जो माला है ये आप ये जो फ्लावर्स है इनकी थोड़ी अंदर की साइड से हमें लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे इसको अंदर की साइड में फ्लावर के अंदर की साइड में स्टिक करेंगे। धागे को कट करके लेंगे। ये देखिए ऐसे बनेगा। ये कि अगर ऐसे ही आपको ये आरती की थाली बनानी है तो ये इस तरह से भी अच्छी दिखेगी। अभी यहाँ पे हम ये हार्ट जो बनाए हैं हमने यहाँ पीछे की साइड में फेविकॉल लगा के इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। और ये दूसरा है इसको मैंने ये देखिए थोड़ा नीचे की साइड में स्टिक किया है। अभी ये जो मोती है इनको हमें फेविबॉन्ड लगा के यहाँ पे स्टिक कर लेने हैं। ऐसे हमें पूरी प्लेट में ये इस तरह मोती लगा लेने हैं। इस तरह से ये एंगेजमेंट ट्रे बन गया है। बिल्कुल आसान और ये देखिए खूबसूरत सा एंगेजमेंट ट्रे। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी एंगेजमेंट ट्रे डेकोरेशन। इस तरह से ये एंगेजमेंट प्लेटर बन जाएगा।